हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है। देखो, चार्जेस ऑफ प्लस 5 माइक्रो कूलॉम, प्लस 10 माइक्रो कूलॉम एंड माइनस 10 माइक्रो कूलॉम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, उसकी वर्टिसेस उसके एंड्स पे तीन चार्जेस रखे हुए हैं इस तरीके से। कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स एट प्लस 5 माइक्रो कूलॉम चार्ज। इस टाइप का क्वेश्चन होता है। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। मान लो हमने एक ही इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, इतना बड़ा बना लिया, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर लेते हैं सिंपल सा। एक हमने इस तरीके से ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इसमें क्या है, देखो मान लीजिए इसकी साइड्स ए बी सी हैं, तो अभी आपका ये ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और इधर सी हो गया। अब आपने किस पे निकालना है, प्लस 5 माइक्रो कूलम पे निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे आपका प्लस 5 माइक्रो कूलम रखा हुआ है और यहाँ पे आपका मान लीजिए प्लस 10 माइक्रो कूलम रखा हुआ है और यहाँ पे आपका माइनस 10 माइक्रो कूलम रखा हुआ है। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स लगाना है। पहले तो आप देखिए ए को कौन फोर्स लगाएगा, बी लगाएगा, और ए को कौन लगाएगा, सी लगाएगा फोर्स। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे इसकी डायरेक्शन देखनी है कहाँ को लगेगा, ठीक है। तो जो ये बी वाला ए पे फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन होगी ये इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको मैंने नेम दे दिया F1। अब सबसे अब F1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो B है वो A पे फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मैंने फोर्स की डायरेक्शन को आउटवर्ड कर दिया है। ये निगेटिव चार्ज है तो इस C और A के बीच में फोर्स लगेगा, तो ये C जो है A पे अट्रैक्शनल फोर्स लगाएगा, इसलिए इस फोर्स की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। इसको मैंने F2 कह दिया, मींस ए और बी के बीच का जो फोर्स है, यहाँ 1 2 कहने की जगह इसको एफ ए बी कह दीजिए, इसको आप कह देते हैं एफ बी सी कह देते हैं, ठीक है, बी और सी के बीच में। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप ये समझना बच्चों, ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, और ये भी आपका कितना हो गया यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये टोटल कितना होगा आपका, ये टोटल एंगल होगा 180 डिग्री, उसमें से 60 चला गया, तो ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा आपका 120 डिग्री। तो आप देखिए, आप दो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक एफ ए बी लग रहा है, एक एफ बी सी लग रहा है, लेकिन दोनों फोर्सेस, जैसे मान लीजिए ये कोई चीज है, इस पे मैं फोर्स लगाता 5 न्यूटन और मान लो कोई और इस पे 2 न्यूटन इधर को लगा रहा, तो रिजल्टेंट 7 न्यूटन होता। मैं 5 इधर को लगा रहा होता, वो 2 इधर को लगा रहा होता, तो रिजल्टेंट 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता। अब यहाँ पे ना तो सीधे है ना ही अपोजिट है, इस तरीके से एंगल के फॉर्म में है 120 डिग्री के। तो आप याद करिए, आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद होगा, आपने जैसे 12th में 11th में पढ़ा होगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए, आर निकालने के लिए हम लोगों के फॉर्मूला पढ़ा था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर्स थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमने पढ़ा था, देखिए अगर कोई ए वेक्टर और यहाँ पे आपका कोई दूसरा बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके हम लोगों ने पढ़ा हुआ था रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो ए और बी का, अभी हमारे पास दो कौन है, एक ए बी है और एक बी सी है, तो हमारे पास अगर हम एफ रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा अंडर रूट एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2f ए बी एफ बी सी, और यहाँ पे हो जाएगा cos 120, क्योंकि थीटा कितना है यहाँ पे 120। बस आपने करना क्या है, cos 120 की वैल्यू लिख देनी है, एफ ए बी निकालना है, एफ बी सी निकालना है, और उसको पुट कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं एफ ए बी कैसे निकालूं और एफ बी सी कैसे निकालता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूं क्योंकि मैं डायग्राम तो हटा नहीं सकता लास्ट तक। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो फोर्स बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, देखो एफ ए बी फॉर्मूला क्या होता था, 1/4πε0 Q1 Q2 upon R2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अभी Q1 मेरे लिए क्या होगा, इन दोनों के बीच में बात कर रहे हैं, 5 माइक्रो कूलम है, तो 5×10⁻⁶ कूलम। Q2 कितना होगा, देखो 10 माइक्रो कूलम है, 10×10⁻⁶ कूलम हो जाएगा, और जो R है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 5 सेंटीमीटर थी, इसको मैं 5/100 मीटर कर सकता हूँ, 0.00 करके भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख दीजिए, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना।
तो अब मेरे लिए एफ ए बी कितना निकल जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁶ × 10⁻⁶ अपॉन 5/100 इसका स्क्वायर कर दिया। अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, लास्ट में मैं फिर इसको उठा के फिर से लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 9 × 5 और ये 10⁻⁹ है और ये 10⁻¹² हो जाएगा, ये आपका 25/100 × 100 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने का आपको कोई और तरीका भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी करिए। ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और आपका ये 5 से 20 टाइम्स ये ऊपर चला जाएगा, तो 9 × 20 × 100 9 × 20 × 100 और ये हो जाएगा आपका, प्लस 9 था ये, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, इसमें से जाएगा तो 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेटा, एटीन इसको मैं 180 × 100 लिख सकता हूँ × 10⁻³ है, पावर तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे भी उसको कैंसिल आउट करना चाहो, इसको अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ये भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन प्योरली आपके हाथ में है, इसको आप 1/1000 भी कर सकते हैं, 000 कैंसिल हो गया, ये आपका आ जाएगा 18 न्यूटन। 5/100 हमने लिया और आपका रिजल्टेंट निकल के आ गया 18 न्यूटन। एक बार देख लेते हैं, 9 × 10⁵, अच्छा सॉरी, एक ये 10 हम लेना, मैं इसका 180 न्यूटन आता है, ये 10 मैं ही लेना है। यहाँ पे देखिए ये जो 10 था ना, ये कहीं खो गया, इसको 10 बेटा यहाँ पे ले लो, ये 10 मैं लेना भूल गया था, तो ये 10 यहाँ भी आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वो हो रहा था कि गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा आंसर, तो 18 × 10 आपका ये आएगा 180 न्यूटन। तो मैंने क्या निकाल दिया, एफ ए बी निकाल दिया, तो ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है एफ ए बी, वो आपका 180 न्यूटन आ गया। अब देखिए थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, कौन दोबारा से कैलकुलेशन करेगा, एफ ए सी अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे एफ ए सी निकालना है तो एफ ए सी कैसे निकालूंगा मैं, ए और ओहो ये थोड़ा सा बी सी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ए है सी, तो ये ए सी होगा, एफ ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए आपका ये एफ ए सी रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान दो एफ ए सी निकालना है, तो देखो ये भी 5 है ये भी 10 है, ये 5 ये 10, तो मैंने आपको बोला था कि जब आप कूलम्स लॉ का यूज कर रहे हो तो आपको फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के साथ प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो गई है इसकी, तो सिमिलरली मैं लिख देता हूँ कि जैसे इसके बीच में फोर्स था, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाली साइड भी आपकी कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर ही आनी है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो फोर्स है ये भी इतना ही आएगा 180 न्यूटन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ गया है, आपका एफ ए बी निकल के आ गया है 180 न्यूटन, और अब आप बात कर रहे हैं किसकी, सिमिलरली आप लिख देंगे सिमिलरली एफ ए सी, वो भी कितना आ जाएगा आपका 180 न्यूटन आ जाएगा। तो मैंने रिजल्टेंट पढ़ाया था, रिजल्टेंट में पहले वाले पोर्शन में थोड़ा सा गड़बड़ फॉर्मूला लिख दिया होगा मैंने, क्योंकि ये बी सी लिख दिया था गलती से, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ बी सी, फिर बी सी ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी कॉस 120। बस अब आपको करना क्या है, एफ ए बी की वैल्यू लिखनी है, एफ ए सी की वैल्यू लिखनी है, और कॉस 120 की वैल्यू लिख देनी है, बस ये सारी चीजों को पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं चाहे तो, मैं भी कर दूंगा आपके लिए, ये 180 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 180 स्क्वायर हो जाएगा बेटा प्लस 2 × 180 × 180 × -1/2 कॉस 120 की जो वैल्यू होती है कॉस 120 वो होती है -1/2, तो आपने -1/2 ले लेना है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपका, तो ये हो गया आपका देखो अंडर रूट 2 × 180 स्क्वायर, यही तो होगा
यार कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो इसको, 180 स्क्वायर प्लस 180 स्क्वायर, ठीक है, और 180 180 कितना हो जाएगा, ये भी तो 180 स्क्वायर हो जाएगा लेकिन माइनस का, 180 स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बचा कितना, अंडर रूट 180 स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो 180 न्यूटन। आपके पास एफ निकल के आ गया कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स आपका कितना आ रहा है, 180 न्यूटन निकल के आ रहा है। इसके इसके बीच में निकाला आपने, इसके इसके बीच में निकाला, थोड़ा सा स्टार्टिंग वाले पार्ट में गड़बड़ हो गया था, मैं बीसी लिख दिया था मैंने, वो एसी होगा, तो आपका रिजल्टेंट निकल के आ गया 180 न्यूटन। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखना क्या है कि किस पॉइंट पे निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे आप उसके सारे के सारे डायरेक्शंस को डिफाइन कर देंगे कि किधर किधर फोर्स लगेगा, फिर रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आपने क्लास 11 में पढ़ा था, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कुछ बच्चों ने हो सकता है पी क्यू के टर्म्स में पढ़ा होगा, तो पी स्क्वायर प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा करके पढ़ा होगा, उसी से हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल दे रहे हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो मुझे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसमें आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट उसका ले लें। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन है आपका, एक स्क्वायर है, इतना क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, भी शॉर्ट करता हूँ, स्क्वायर है जिसकी साइड आपको मैंने 0.2 मीटर दे दी है, उसके एंड्स पे वर्टिसेस पे हमने 16 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है, 16 माइक्रो कूलम एट ईच वर्टिसेस, ईच वर्टिसेस पे हमने उसका 16 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है, और आपको बताना है पॉजिटिव प्लस 15, कुछ नहीं लिखा तो प्लस ही होगा वैसे भी, तो फाइंड रिजल्टेंट, रिजल्टेंट एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर उसका रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट ऑब्वियसली बात है फोर्स की बात कर रहा हूं, मैं इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देखता हूँ, अब अभी समझ में आ जाएगा, जरूरत भी नहीं है लिखने की। जैसे मान लीजिए आपने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इसको नेम दे देते हैं हम ए बी सी डी, इसकी हर कोई साइड आपको 0.2 मीटर दी हुई है। जब डायग्राम बनाना होता है तो क्वेश्चन लिख से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0.2 मीटर वही सब कुछ बता देगा आपको, हर कोई साइड इसकी 0.2 मीटर, यहाँ भी 0.2 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 0.2 ले लेता हूँ। तो उसने बोला कि हर वर्टिसेस पे प्लस 16 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है, प्लस 16 माइक्रो कूलम, यहाँ भी प्लस 16 माइक्रो कूलम, यहाँ भी प्लस 16 माइक्रो कूलम। अब मुझे किसी एक साइड पे निकालना है, चाहे मैं इस पे निकाल लो, इस पे निकाल लो, इस पे निकाल लो, इस पे, तो आपकी मर्जी है, आप किसी पे भी निकाल लो, सपोज मैं इसी पे निकाल लेता हूँ, तो होगा क्या, मुझे वन बाय वन देखना है। बच्चों आपको जब मैंने लास्ट वीडियो कुलम्स लॉ का पढ़ाया था तो उसमें एक चीज बोली थी कि जो फोर्स लगता है जो कुलम्स लॉ के अंदर या फिर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो हमारे कैसे होता है, मैंने बोला था आपको कि सेंट्रल फोर्स होते हैं, सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन आपको बोली थी कि जो फोर्सेस होता है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं। तो बी और जैसे आप मान लो एक एक करके निकालते हैं, तो आप ये देखिए ए डी पे फोर्स लगाएगा लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गया आपका एफ ए डी, इस पर फोर्स लगेगा, ठीक हो गया। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, आपने इस पर लगा दिया, अब आप ऐसे ही बात कर रहे हैं सी लगाएगा, तो सी लगाएगा इस लाइन के अलोंग, अभी मैंने इसको एफ सी डी लिख देना है, बी इस पे लगाएगा तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे एफ बी डी, तो इस तरीके से मेरे तीन फोर्सेस लगेंगे। कहने का मतलब है ये वाला जो लगाएगा इस लाइन के अलोंग लगाएगा, ये जो लगाएगा इस लाइन के अलोंग लगाएगा, ये वाला इस लाइन के अलोंग लगाएगा, ठीक हो गया। क्यों लगाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव 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 को रिपेल करेगा तो आउटवर्ड इधर की तरफ फोर्स लगने, लेकिन लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइन दीज टू चार्जेस, ये लग गया, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये आपके रिजल्टेंट फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये फोर्सेस लगने वाले हैं। तो अब आपने करना क्या है, देखो बच्चों आप एफ सी डी और एफ बी डी की बात करता हूं मैं, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच में होगा, वो होगा अलोंग एफ ए डी, तो फिर क्या होगा, पहले मैं एफ सी डी और एफ बी डी का रिजल्टेंट निकालूंगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, एफ डैस कह देते हैं उसको, और एफ डैस में एफ ए डी अगर मैं ऐड कर दूंगा तो रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे इन तीनों फोर्सेस को एक एक करके निकालना है। जैसे
सबसे पहले मुझे निकालना है मान लीजिए एफ डी बी डी, सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर जाएंगे तो वही फार्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और आर मैंने आपको, अब देखिए क्यू वन क्यू टू आपको दिया हुआ है, माइक्रो कूलम में कैसे लिखते हैं ये आप लोग सब जानते ही हैं। तो आपके पास देखो क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू 16 माइक्रो कूलम है, तो 16 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 कूलम हो गया। आर हो गया आपका 0.2 मीटर, आपकी मर्जी आप 2/10 भी लिख सकते हैं इसको, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो सकता है। एफ बी डी की बात जब मैं करूंगा तो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 इंटू 16 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 इंटू 16 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 अपॉन 2/10 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों इतना क्या लिखना है, दो बार 2/10 इंटू 2/10 हो जाएगा स्क्वायर में, 2 2 4 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। 144 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 हो गया, ये 10 रेज टू द पावर माइनस 6 और ये ऊपर चले जाएगा तो 10 रेज टू द पावर 2 चला जाएगा ना, पावर 1 और 1 2 हो गया। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया पावर 9 और 2 11, 11 में से 6 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा प्लस का। और इसको आप जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16, 6 हो गया 1 रहेगा 4 4 16 और 1 17, 1 रह गया 4 1 4 576 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 हो गया आपका ये 576 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन। ये फोर्स एक्ट कर रहा है आपका किस किस के बीच में एक्ट कर रहा है, ये फोर्स आपका, कैलकुलेशन तो बहुत ही माशाल्लाह हो गई है, 6 और 6 बेटा सॉरी यहाँ होगा 12, 6 और 6 पावर साइड होंगी 12 हो जाएगा, 9 और 2 आपका सॉरी 11 होगा, 11 और यहाँ पे माइनस 12 है, 10 रेज टू द पावर 11 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 10 रेज टू द पावर माइनस 1 बचेगा, और 10 रेज टू द पावर माइनस 1 मीन्स हो गया 576 इंटू 1/10 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 57.6 न्यूटन। तो बी और डी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपका एफ बी डी जिसको मैं बोल रहा हूँ वो निकल के आ जाएगा आपका कितना 57.6 न्यूटन, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये आपको दिखी रहा है डायग्राम के अंदर कहाँ को लग रही है, ठीक है। फिर ऐसे ही क्या करना है मुझे, मुझे एफ सी डी निकालना है, तो वो भी सेम आएगा क्योंकि सी और डी की जब आप बात करेंगे तो इनका भी रिजल्टेंट, क्योंकि देखो आपने इस किसका निकाला, यहाँ पे 16 16 वैल्यू थी 0.2 था, यहाँ भी 16 वैल्यू, डिस्टेंस कितनी है 0.2 है, तो आप फिर से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो क्या लिख लेंगे, सिमिलरली आपका क्या आ जाएगा, देखो एफ सी डी वो भी कितना आएगा 57.6 न्यूटन हो गया। अब आपने देखिए ये फोर्स निकाला, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देते हैं। रिजल्टेंट ऑफ एफ कौन सा, बी डी एंड एफ सी डी क्या होता है, एफ इज इक्वल टू इसको एफ डैश बोल देते हैं, इनका इन दोनों का रिजल्टेंट तो क्या हो जाएगा, एफ बी डी स्क्वायर प्लस एफ सी डी स्क्वायर प्लस 2f बी डी एफ सी डी और यहाँ पर जगह cos 90। तो ये वाले और ये वाले के बीच का जो एंगल बन रहा है आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो आपने लिख दिया cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म पीछे वाला आपका हट ही जाएगा, इससे ये दो टर्म रह जाएंगे आप, कौन कौन से, अंडरूट 57.6 इसका स्क्वायर प्लस 57.6 इसका स्क्वायर प्लस 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, cos 90 0 है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा अंडररूट 2 इनटू 57.6 इसका स्क्वायर, 57.6 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 57.6 और ये हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 की वैल्यू भी आप यहां पे रख के सॉल्व कर लो, रूट 2 होता है आपका 1.414, तो उसको आप रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 57.6 into 1.414
इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 81 के आसपास वैल्यू आती है, 81.5 न्यूटन। खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, ये जो फोर्स लगा रहा है और ये जो फोर्स लगा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, वो भी यहीं को होगा, उसको मैंने बोल दिया एफ डैश। तो जो एफ डैश होगा 81.5 न्यूटन है। तो अगर मुझे एफ ए डी मिल जाए और मुझे एफ डैश मैंने निकाल ही दिया है, मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो मेरा इस पूरे सिस्टम के इसके इसके इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स निकल जाएगा। तो अब मुझे निकालना है कि एक ही वजह से डी पे कितना फोर्स लग रहा है। तो मुझे क्या चाहिए फोर्स के लिए बेटा, 1/4 pi epsilon पता है, Q1 चाहिए ये भी पता है, Q2 चाहिए ये भी पता है। अब R की बात करते हैं तो थोड़ा सा R में चेंजेस आ जाएंगे। देखो ये 0.2 है, ये 0.2 है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे, इसको हटा देते हैं पहले, बहुत सारी चीजें होंगी बोर्ड में, प्रॉब्लम करेगा देखने में। तो ये हो जाएगा आपका, ये वाली जो साइड है 0.2 square plus 0.2 square, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे भी। इधर देखो, अब यहाँ पे आपने क्या निकालना है, एडी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो एडी कितना हो जाएगा पाइथागोरस से 0.2 square plus 0.2 square। तो ये क्या हो गया आपका, देखो अंडर रूट 2 into 0.2 square, ये दो बार वैल्यू आ गई, 0.2 बाहर आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे रूट 2 एडी। अब मुझे एडी का स्क्वायर चाहिए रहेगा वहां पे, तो मैं इसलिए इसको ज्यादा परेशान नहीं हो रहा हूँ। तो 0.2 root 2 इसका स्क्वायर करूंगा तो बेटा 0.2 square into 2 आ जाएगा, ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो 0.2 का 0.2 को मैं लिख देता हूँ 2/10 इसका स्क्वायर। ये आपकी मर्जी, आप कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसे लेके चलना है कि हर स्टूडेंट को लेके चलना है कि बिल्कुल गरीब से गरीब भी हो, दिमाग से जिसको बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही, मैं उस तक भी पहुंच सकूं। तो ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को लग रहा है कि यार मेरे को कुछ और तरीका करना है, तो बेटा ऐसे भी हो सकता है। तो एडी स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर दूंगा ना, 4 × 8, 8/100 पुट कर देना मैंने एडी स्क्वायर की जगह पे, एडी स्क्वायर की जगह 8/100 पुट करूंगा, सीधे वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे निकालना क्या था, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा फोर्स निकालना है मुझे, मुझे निकालना है एफ ए डी, वही फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। अब R मेरे लिए अभी क्या होगा, एडी, एडी का स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पे एडी स्क्वायर निकालना, यहाँ पे सही समझा, एडी स्क्वायर निकाल के आपके लिए रख दिया। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁻⁶ × 10⁻⁶ × 10⁻⁶ upon 8/100। 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 8 × 2 = 16, हो जाएगा। फिर ये 10⁻⁹, 10⁻⁻¹, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁔ हो जाएगा। फिर वही 9 और 2 = 11 हो गया, 11 में से फिर 1 चला गया तो 10⁻⁹ बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 288, इसको 288 × 1/10 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 28.8 न्यूटन। ये कौन सी वाली वैल्यू आ गई आपकी, एफ ए डी की वैल्यू आ गई, एफ ए डी की वैल्यू आपकी आ गई 28.8 न्यूटन। एफ ए डी आपका ये वाला है जो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स ये लगेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी यहीं लग रहा है। तो अब आपको कर देना है लास्ट में रिजल्टेंट ऑफ किस किस का, एफ डैश एंड एफ ए डी, वो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ डैश प्लस एफ ए डी। तो आपका एफ डैश था 81.5 न्यूटन प्लस 28.8 न्यूटन, बस आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आप क्वेश्चंस को, आपको जो भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे आप इस तरीके से भी उनको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। आप किसी भी तरीके का दिया रहे, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दे, ये जैसे इसने स्क्वायर दे दिया या कोई और साइड देता, मान लो मैं अब एक दो क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर देता यहाँ पे, मान लीजिए स्क्वायर ना दे करके कुछ और दे देता, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिए। मैं बहुत ज्यादा भी अभी
क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकता हूँ, टाइम टेकिंग प्रोसेस रहते, कैलकुलेशन ही करना है, बाकी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आगे। मान लो यहाँ पे अलग अलग चार्जेस दिए होते हैं, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है तो सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। हो सकता है स्क्वायर ना दे, स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल दे दे या कुछ और साइड दे दे, इसकी इसकी साइड अलग अलग होती, तब भी हम कर सकते थे इस तरीके से रखा हो डिफाइन करता, तो आपको यहाँ पे रख देना है। बस आप ये बस अपने ध्यान लगाइए कि किस तरीके से चीजें सॉल्व होंगी, डायमेंशन साइड्स उसकी तुम्हें पता हो तो तुम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस ये दिमाग में रखिए कि प्लस प्लस को रिपेल करेगा और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रखिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। बस फिलहाल ये दो क्वेश्चंस हैं, इस पर बेस्ड और भी जितने आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलते हैं खुद से बना सकते हैं, उन क्वेश्चंस को बनाइए और सॉल्व करिए। थैंक यू।